हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ एवेन्यू। और आज हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का पार्ट टू कवर करेंगे। पार्ट वन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था और आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। और आज हमने प्रीवियस वीडियो में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हाइलाइट्स और इसके बेसिक्स और पब्लिक सर्वेंट क्या होता कौन होता है वो कवर किया था। और आज हम पार्ट टू में सेक्शन 3 और सेक्शन 4 कवर करेंगे। हमारा सेक्शन 3 है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, वो किसकी बात करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस की। जो स्पेशल जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है, इन स्पेशल जजेस की अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है? तो स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट अ स्पेशल स्पेशल जजेस थ्रू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन गैजेटी फॉर स्पेसिफिक एरिया और केसेस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, इन दोनों में से कोई भी गवर्नमेंट क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन निकालेगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगी गैजेटी में, किसके लिए? अपॉइंटमेंट करने के लिए, स्पेशल जजेस की अपॉइंटमेंट करने के लिए। अब इन स्पेशल जजेस की अपॉइंटमेंट स्पेशल एरिया के लिए भी हो सकती है और स्पेशल केस के लिए भी हो सकती है। स्पेशल एरिया फॉर एग्जांपल, अब हरियाणा है, मान लो ये हरियाणा है, फॉर एग्जांपल ये हरियाणा है, हरियाणा में भिवानी हो गया। अब भिवानी में कोई करप्शन से रिलेटेड केस है, तो भिवानी में इस केस के लिए, इस केस को ट्राई करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल जज की अपॉइंटमेंट करेगा। और केसेस क्या है इसमें, कोई स्पेसिफिक केस भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक केस की केस के लिए किसी स्पेशल जज की अपॉइंटमेंट करना, ताकि वो स्पेशल जज इस स्पेसिफिक केस को जो है ट्राई करे, इन्वेस्टिगेट करे। अब जो ये स्पेशल जज अपॉइंट किए जाएंगे, ये स्पेशल जज जो अपॉइंट किए जाएंगे, ये स्पेशल स्पेशल ये स्पेसिफिक एरिया के लिए भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, किसी केस के लिए भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। और जो ये जजेस होंगे, जो ये जज होंगे, अब जो ये स्पेशल जजेस होंगे, ये किन केसेस को ट्राई करेंगे? जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है, एनी ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। कोई भी ऐसा ऑफेंस जो पनिशेबल है, जिस ऑफेंस की पनिशमेंट है अंडर दिस एक्ट, कौन से एक्ट के अंडर? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। कोई भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का ऑफेंस जो पनिशेबल है, उस ऑफेंस को जो है स्पेशल जज इन्वेस्टिगेट करेगा। सेकेंड पॉइंट है एनी कॉन्स्पिरेसी, कोई कॉन्स्पिरेसी हुई हो, अटेम्प्ट और अबेटमेंट टू रिलेटेड टू द ऑफेंसेस मेंशन्ड इन क्लॉज ए। अब कोई भी कॉन्स्पिरेसी कमिट हुई हो, कोई भी अटेम्प्ट कमिट हुआ हो, कोई भी अबेटमेंट हुई हो, किन ऑफेंसेस की, जो ऑफेंस क्लॉज ए में मेंशन्ड है, मतलब इस में मेंशन्ड है जो पनिशेबल है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ स्पेशल जज अंडर दिस एक्ट, अ पर्सन मस्ट हैव सर्वड एज अ सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। अब अगर कोई पर्सन है जिसको स्पेशल जज के लिए अपॉइंट होना हो, तो कौन स्पेशल जज की पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा? जो भी पर्सन है, सपोज ए है, ए या तो वो सेशन जज होना चाहिए, या फिर वो एडिशनल जज, या फिर वो असिस्टेंट सेशन जज रहना चाहिए। इन तीनों में से ए
कोई ना कोई जज रहना चाहिए, उसके पास इन तीनों में से कोई एक एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तभी वो पर्सन स्पेशल जज की पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। अब सेक्शन फोर, जो सेक्शन फोर है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, वो क्या बोलता है? केसेस ट्राइबल बाय स्पेशल जजेस। अब जो स्पेशल जजेस हैं हमारे, जो अपॉइंट हुए हैं, जो सेक्शन थ्री में जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बताया है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके जो ये जज अपॉइंट हुए हैं, अब ये कौन से केसेस को ट्रायल करेंगे, किन केसेस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सो सेक्शन फोर का क्लोज वन बोलता है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिगेन इन फोर्स, द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन थ्री शैल बी ट्राइड बाय द स्पेशल जजेस ओनली। अब फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें जो मेन लाइन है ना वो द ऑफेंसेस से लेकर ओनली तक है, हमें ये ही लाइन जो है याद रखनी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, मेन सारा इसी में ही है। अब ये लाइन क्या बोलती है? द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन थ्री शैल बी ट्राइड बाय द स्पेशल जज। अब स्पेशल जज किन ऑफेंसेस को ट्राई करेंगे, किन ऑफेंसेस को ट्राई करेंगे? जो ऑफेंसेस सेक्शन थ्री के सब सेक्शन वन में मेंशन होंगे या स्पेसिफाइड होंगे, उन ही ऑफेंसेस को जो है स्पेशल जज ट्रायल करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। आई होप आपको फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब फोर्थ पॉइंट का क्लोज टू क्या बात करता है? फोर्थ पॉइंट का क्लोज टू, अब क्लोज टू क्या बात करता है कि एवरी ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन थ्री शैल बी ट्राइड बाय द स्पेशल जजेस फॉर द एरिया विद इन विच इट वॉज कमिटेड। अभी हम इतना करेंगे तो ये इतनी लाइन क्या बोलती है कि जो भी ऑफेंस सब सेक्शन वन, अब ये सब सेक्शन वन किसका? सेक्शन थ्री का। सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन थ्री में जो भी ऑफेंसेस स्पेसिफाइड है उन ऑफेंसेस को स्पेशल जज ट्राई करेंगे, और या फिर स्पेसिफिक एरिया के लिए वो जो जज अपॉइंट हुआ है उस केस को, या फिर जिस भी एरिया में, सपोज करो ये कोई एरिया है, ये हरियाणा में कोई एरिया है, सपोज करो कुछ भी एरिया है, ये इस एरिया में ये ऑफेंस कमिट हुआ है, तो इस एरिया के जो स्पेशल जज हैं वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। और एज द केस मे बी बाय द स्पेशल जज अपॉइंटेड फॉर द केसेस, या फिर किसी स्पेसिफिक केस के लिए, किसी स्पेसिफिक केस के लिए कोई स्पेशल जज अपॉइंट हुआ हो तो उस केस को जो ये स्पेशल जज इन्वेस्टिगेट करेगा, और वेयर देयर आर मोर स्पेशल जजेस मोर देन वन फॉर सच एरिया, जहां पर भी कोई किसी एरिया में जहां पर एक से ज्यादा जजेस हैं, एक से ज्यादा जजेस हैं, वहां पर कौन सा जज जो है केस को ट्राई करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे स्पेसिफाइड होगा, वो जज उस एरिया में उस केस को ट्राई करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एरिया है जहां पर एक से ज्यादा जजेस हैं, तो उस ऐसे एरिया में कोई करप्शन से रिलेटेड केस हुआ है, तो उस एरिया में अब जजेस तो एक से ज्यादा है, तो कौन सा जज उस केस को ट्राई करेगा? उस केस को वो जज ट्राई करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किया हो,
सपोज करिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, अब ए जज है, बी है, सी और डी, ये चार जजेस हो गए एक एरिया के। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बी को अप्रूव कर दिया, बी को स्पेसिफाइड कर दिया कि बी जो है इस केस को हैंडल करेगा, तो बी विल ट्रायल दैट केस। जो सेक्शन 4 का क्लोज 2 है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर हम इसको पार्ट में, हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे, हम इसको 3 पार्ट में रिवाइज करेंगे। तो ये जो क्लोज है वो बात क्या कर रहा है, देखो जो भी ऑफेंसेस सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में मेंशन होंगे उन ऑफेंसेस को स्पेशल जज ट्राई करेगा, और या फिर फॉर द एरिया विद इन विच द इट वॉज कमिटेड, कोई एरिया है जहां पे वो ऑफेंस कमिट हुआ है, उस एरिया का स्पेशल जज, फर्स्ट उस एरिया का स्पेशल जज उस ऑफेंस को ट्राई करेगा, और एज द केसेस मे बी बाय द स्पेशल जज अपॉइंटेड फॉर द केस। अब स्पेशल जज, कोई भी स्पेशल जज है वो किसी केस के लिए अपॉइंट हुआ है, तो वो उस केस को ट्राई करेगा। अब थर्ड पॉइंट में क्या है, कोई ऐसा एरिया है जहां पर एक से ज्यादा जजेस हैं, एक से ज्यादा जज हैं, तो उस एरिया में वो स्पेशल जज उस केस को ट्राई करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस जज को स्पेसिफाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस जज को स्पेसिफाइड करेगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एक स्पेसिफिक एरिया है उसमें मान लो चार जजेस हैं, ए बी सी डी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि सी को बोल दिया कि तुम इस एरिया के इस केस को ट्राई करोगे, तो सी ही उस केस को ट्राई करेगा। ऐसी सिचुएशन में जिस जज को सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड करेगी वो ही जज उस केस को ट्रायल करेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो क्लोज थर्ड है, क्लोज 3 जो है वो क्या बात करते हैं, व्हेन ट्राइंग एनी केस अ स्पेशल जज मे आल्सो ट्राई एनी ऑफेंस अदर देन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3 विद विच द एक्यूज्ड मे अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बी चार्ज एट द सेम ट्रायल। अब सेक्शन 3 क्या, क्लोज 3 क्या बोलता है, क्लोज 3 बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल स्पेशल जज जो अपॉइंट हुआ है वो सेक्शन 3 के अंडर जो भी ऑफेंसेस है उनको तो ट्राई करेगा ही करेगा, पर अगर किसी क्रिमिनल ने, किसी एक्यूज ने कोई और भी ऑफेंस कमिट किया हुआ होगा तो वो उसको भी ट्राई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए है, ए इज फाउंड लाइबल फॉर करप्शन, करप्शन के लिए ए लाइबल है, और जो बी है वो स्पेशल जज है, स्पेशल जज, यहाँ पे हम स्टार लगा देते हैं ताकि आपको याद रहे। अब बी स्पेशल जज है, बी ने, अब ऑफेंस में केस के ट्रायल में ये पता लगता है कि ए ने वाई से पैसे लिए, अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए पैसे लिए, करप्शन की है वाई ए ने, और ए ने करप्शन करने के बाद 10,000 रुपए लेने के बाद क्या किया कि वाई को मार दिया, वाई डाय, यहाँ पे वाई की डेथ हो गई है, वाई डाई। तो अब ए करप्शन के लिए तो लाइबल है ही, अब मर्डर के लिए भी लाइबल है, तो जो स्पेशल जज है उन स्पेशल जज के पास पावर है कि वो करप्शन की पनिशमेंट तो दे ही ए को, साथ में मर्डर की पनिशमेंट भी दे, वो सेम दोनों केस के लिए ए को ट्रायल कर सकते हैं, ये स्पेशल जज के पास पावर है। अब वन मोर एग्जांपल,
आई होप आपको प्रीवियस एग्जाम्पल समझ आ गया हो। अब एग्जाम्पल टू, बी है, बी स्पेशल जज है, बी इज स्पेशल जज एंड ए इज फाउंड गिल्टी फॉर दी करप्शन ऑफ 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज। अब ए ने किससे 1 लाख रुपए मांगे हैं? डी से। अब डी ने 1 लाख रुपए जो थे, 1 लाख रुपीज जो थे, ए को दे दिए, बट ए को ये हो गया कि जो डी है तेरी कंप्लेंट कर देगा। तो ए ने क्या किया कि उसके घर पे जाके उसका मर्डर करने का ट्राई किया। मर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, बी इज स्टिल अलाइव, बट उसने मर्डर का अटेम्प्ट किया। अब जो इधर बी है, जो हमारे स्पेशल जज हैं, अब बी के पास ये पावर तो है कि वो ए को करप्शन के लिए पनिशमेंट दे, करप्शन के लिए लाइबल करे, और साथ में बी के पास पावर है कि वो ए को अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ डी के लिए भी लाइबल करे। पी हैज पावर कि ही कैन गिव पनिशमेंट टू डी ए टू अटेम्प्ट मर्डर ऑफ डी। आई होप आपको एग्जाम्पल जो टू है वो भी क्लियर हो गया होगा। अब क्लोज फोर, क्लोज फोर में क्या है? नोटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस शैल बी हेल्ड एज फार एज प्रैक्टिसेबल ऑन डे टू डे बेसिस एंड शैल बी मेड टू इंश्योर दैट द सेट ट्रायल इज कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो ट्रायल ऑफेंस का चल रहा है उस ट्रायल को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए और डे टू डे बेसिस पर जो है प्रोसीजर फॉलो किया जाए, ताकि इस केस को विद इन पीरियड ऑफ 2 ईयर में कंप्लीट कंक्लूड कर दिया जाए। अब पॉइंट, ये पॉइंट बात करता है कि जो ऑफेंस का ट्रायल चल रहा है, प्रोसीजर चल रहा है, उसको जल्द से जल्द 2 साल के अंदर डे टू डे बेसिस पे ट्रायल करके 2 साल के अंदर उस केस को कंक्लूड और कंप्लीट किया जाए। जो क्लोज फोर है उसमें भी पॉइंट्स गिवन है। तो फर्स्ट पॉइंट जो क्या बात करता है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर दैट ट्रायल इज नॉट कंक्लूडेड विद इन द सेट पीरियड द स्पेशल जज शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर नॉट हैविंग डन सो। अब ये पॉइंट ये बताता है कि जो ट्रायल है, अगर वो ट्रायल गिवन पीरियड में कंप्लीट नहीं होता है तो स्पेशल जज रीजन रिकॉर्ड करेगा। स्पेशल जज रीजन रिकॉर्ड करेगा कि क्या रीजन है कि ये केस मेंशनड टाइम में कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है। तो रिकॉर्ड द रीजन। नेक्स्ट है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सेट पीरियड मे बी एक्सटेंडेड बाय सच फर्दर पीरियड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ एट अ टाइम। सो हाउ एवर दैट द सेट पीरियड टूगेदर विद सच एक्सटेंडेड पीरियड शैल नॉट एक्सीड ओनली 4 ईयर। अब इसमें क्या है कि पीरियड तो एक्सटेंड कर दिया है, पीरियड एक्सटेंड हो गया है। मान लो इस पॉइंट में जो है केस को 2 मंथ या 6 मंथ और मिल गए, अब इनमें भी केस कंक्लूड नहीं हुआ है, तो अब भी अगर केस कंक्लूड नहीं होगा तो फिर से रीजन रिकॉर्ड किया जाएगा, और अब की बार रिटर्न में रीजन जो है स्पेशल जज रिकॉर्ड करेगा और फिर उनको फिर से
6 मंथ का टाइम दिया जाएगा कि आपको 6 मंथ में केस को कंक्लूड करना है। अगर फिर से 6 मंथ में केस कंक्लूड नहीं होता, ऐसा है, मतलब ये रिपीट हो रहा है कि 2 मंथ हुआ, 6 मंथ में नहीं हुआ, फिर से टाइम मिला, फिर नहीं हुआ, टोटल 4 साल के अंदर, ऑर्डिनरी 4 ईयर्स के अंदर केस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब ऐसे मान लो 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, ऐसे 2 मंथ 1 ईयर ऐसे टाइम मिल रहा है कि केस कंक्लूड करने का, टोटल 4 ईयर हो गए हैं। टोटल 4 ईयर के अंदर अंदर केस का कंक्लूजन हो जाना चाहिए, केस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो फोर्थ पॉइंट का, फोर्थ क्लोज का जो सेकंड पॉइंट है, वो एक्सटेंड पीरियड की ही बात करता है कि अगर केस कंक्लूड नहीं होता है तो उसका रीजन रिकॉर्ड किया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, और टोटल टाइम क्या है केस को कंक्लूड करने का, वो स्पेसिफाई किया है कि 4 साल के अंदर अंदर केस हमारा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट को एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या बात कर रहा है। जो भी हमारा केस चला हुआ है उसको, उस केस का ट्रायल जल्दी से जल्दी, एज फार एज डे टू डे बेसिस पे और टोटल 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो ये केस है वो कंक्लूडेड 2 साल के अंदर डे टू डे ट्रायल करके केस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसके अंडर जो पॉइंट गिवन है वो क्या बात करता है, प्रोवाइडेड दैट ट्रायल इज नॉट कंक्लूडेड। अगर जो ट्रायल है वो 2 साल के अंदर नहीं होता है कंप्लीट, जो केस कंक्लूड नहीं होता है 2 साल के अंदर, तो जो स्पेशल जज है हमारे, वो रीजन क्या है केस कंप्लीट ना होने का, कंक्लूड ना होने का रीजन रिकॉर्ड करेंगे कि व्हाट इज द रीजन। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि अब इसमें 2 साल दे दिए हैं, अब इस 2 साल के अंडर भी जो केस कंक्लूड नहीं हुआ है तो रीजन रिकॉर्ड किया है स्पेशल जज ने, फिर उनको 6 मंथ का टाइम और दिया जाएगा। अगर 6 मंथ के अंदर भी जो केस फिर से कंक्लूड नहीं होता है, फिर ऐसे ही 6 मंथ 6 मंथ करके उनको केस कंक्लूड करने का टाइम दिया जाएगा, और टोटल टोटल जो है केस 4 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, 4 साल के अंदर केस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें इनको पार्ट में कवर करना है। पार्ट्स में अगर हम करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा लर्न करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो जो है क्लियर हुआ होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना ना भूलना। हमारा टारगेट है कि 1000 फॉलोवर्स का, 1K का, कि वो 1K जल्दी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।